में कुशीनगर के गल्ला व्यापारी से कार सवारों ने कुसमेही जंगल में 6.5 लाख की लूट। मामला खोराबार थाना क्षेत्र का डीआईजी जे रविंद्र गौर, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर और एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने लिया घटना स्थल का जायजा। कहा, मामले की जा रही है छानबीन, जल्द होगा घटना का खुलासा। पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। सभी घाटों पर पुलिस कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। छठ पर्व को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा चलाई जा रही है 59 स्पेशल ट्रेनें। स्पेशल ट्रेनों की जानकारी रेलवे की वेबसाइट पर है उपलब्ध। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। एडीएम सिटी ने कहा, सभी छठ घाटों का नगर निगम के द्वारा करवाया जा रहा है साफ सफाई। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए सभी घाटों पर पानी में करवाया जा रहा है बैरिकेडिंग। देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम भी है मुस्तैद। 750 बसों का किया जा रहा है संचालन। परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने दी जानकारी। थानों के अपराधियों को गोरखपुर पुलिस ने दुराचारी घोषित करते हुए खोला हिस्ट्री सीट। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। नहाए खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ शुक्रवार से हुआ शुरू। महुआ मंडी में पूरे दिन फलों की चलती रही खरीदारी। महुआ मंडी के दुकानदारों ने कहा, फलों की अच्छी हो रही है खरीदारी। और भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व की रविवार को अस्ताचलगामी और सोमवार को उगते सूरज को अर्घ्य देने के लिए घाट पर श्रद्धालुओं ने बनाया वेदी। कहा, बेटों और पति के लंबी उम्र के लिए छठ का व्रत रहती हैं महिलाएं।